वेलकम टू क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3rd तक कंप्लीट हो चुके थे। और क्वेश्चन है एक्सप्लेन इज द फॉर ड्रॉइंग यूजिंग सो टेबल आई रेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। ओके, अभी तक हम देख रहे थे x प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये जो नंबर्स थे, ये जो कंडीशन थी, ये प्रॉपर्टीज थी, इनके बारे में अभी तक हम देख रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे एक्स्ट्रा एक्स प्लस वाई प्लस जेड थ्री नंबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं एक दफा। इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। यही होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, यही होता है। अब इस फॉर्म में इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर्टीज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टीज का इसमें यूज करते हुए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ, टू वाई, तो टू वाई का स्क्वायर होगा फोर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टू वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो गया। अब जेड स्क्वायर होगा तो क्या होगा, फोर जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस टू एक्स क्या है, एक्स और वाई क्या है, टू वाई टू एक्स वाई प्लस टू वाई और जेड प्लस टू जेड और एक्स, ये हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई जेड प्लस एट जेड एक्स। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की तरह इस ओपन किया है, कोई दिक्कत? बाकी वो ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस
अगर इसको ऐड करते हैं माइनस का तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर जेड एक्स, ये हमारा आंसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है वो माइनस में होगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस के टू एक्स, वाई इक्वल्स टू थ्री वाई और जेड इक्वल्स टू टू जेड, वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। वो किस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू जेड वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, यही होगा। अब जब उसको इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स कितना है माइनस के टू एक्स, वाई कितना है थ्री वाई प्लस टू थ्री वाई टू जेड प्लस टू टू जेड माइनस के थ्री माइनस के टू एक्स, ओके समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर प्लस टू टू मल्टीप्लाई फोर फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व, इसका आएगा फोर माइनस का माइनस के ट्वेल्व एक्स वाई फिर प्लस थ्री टू सिक्स सिक्स टू ट्वेल्व, ठीक है ट्वेल्व वाई जेड प्लस टू टू फोर फोर टू एट, ये माइनस को होगा एट जेड एक्स एक्स आएगा वहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस होता है लेकिन स्क्वायर में ये कारण क्या हो गया प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ओके नो प्रॉब्लम। या माइनस का ध्यान रखना है, बाकी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, ठीक है, गुड बाय।